ये हेलो बच्चों, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, ऑफ डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट के बारे में। तो देखिए सब में क्या क्या दिया है आपको। शाफ्ट इज सपोर्टेड इन बिटवीन टू बेयरिंग विच आर 2 मीटर अपार्ट। इट्स कैरीज अ सेंट्रल लोड ऑफ 400 न्यूटन एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 mm फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द टू द राइट ऑफ द लेफ्ट हैंड बेयरिंग। इट कैरीज अ अनदर लोड ऑफ 600 न्यूटन एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 mm टू द लेफ्ट ऑफ राइट हैंड बेयरिंग। इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट अ पावर ऑफ 25 kW एट 120 RPM कंसिडरिंग द की वे। ओके, तो देखिए इसमें क्या बोला है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे हमें मेटल के बारे में दिया नहीं है और बोला है डिजाइन द शाफ्ट। ओके, मेटल के बारे में डिग्री का समय आएगा शाफ्ट का, तो मेटल के बारे में नहीं देंगे। तो आपको PAG का डेटा यूज़ करना पड़ता है फॉर द मुंबई यूनिवर्सिटी और सॉल्व करना पड़ता है। अगर ये सब सेम सम डिप्लोमा में भी आ सकता है तो आपको यहाँ पे वो लोग मटेरियल के बारे में वो लोग मेंशन करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग ये सब को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, एक आपको ये दिया है एक सिंपली सपोर्टेड बीम में। ओके, क्या बोला, इन बिटवीन टू बेयरिंग शाफ्ट इज सपोर्टेड इन बिटवीन टू बेयरिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ छोटा। ओके, तो शाफ्ट इज सपोर्टेड इन बिटवीन टू बेयरिंग। तो ये रहा मेरा एक शाफ्ट। ये हो गया मेरा शाफ्ट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 बेरिंग है से, दिस इज बेरिंग 1 जो कि है मेरा लेफ्ट साइड का, ये बेरिंग 2 जो कि है मेरा राइट साइड का। ओके, इसको नाम दे देंगे हम लोग यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम लोग LHB, इसको बोलेंगे RHB। ओके, नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 लोड आ रहे हैं। देखिए, तो इज सपोर्टेड इन बिटवीन 2 बेरिंग विच आर 2 मीटर अपार्ट। कितने डिस्टेंस पे दोनों, दिस इज 2 मीटर अपार्ट, दिस इज 2 मीटर अपार्ट, दिस इज 2 मीटर अपार्ट। ओके, नाउ कैरी सेंट्रल लोड, क्या हो रहा है, कैरीज अ लोड। ओके, सेंटर ने कैरीज अ लोड ऑफ 400 न्यूटन एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 mm टू द राइट ऑफ द लेफ्ट हैंड बेयरिंग। ये क्या है, ये आपका लेफ्ट हैंड बेयरिंग है, ये होगा इसका राइट साइड, ये होगा इसका लेफ्ट साइड। ओके, एल और आर, उसी तरह ये राइट हैंड बेयरिंग है, ये होगा इसका राइट साइड और ये होगा इसका लेफ्ट साइड। नाउ तो क्या बोला है, 400 न्यूटन का लोड एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 mm फ्रॉम टू द राइट ऑफ लेफ्ट हैंड बेयरिंग। ओके, राइट ऑफ लेफ्ट हैंड बेयरिंग, ओके यहाँ पे आएगा कितना हो, उसका लोड है 400 न्यूटन एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितना बोले डिस्टेंस पे आ रहा है वो, उसका डिस्टेंस है मेरा 200 mm, दैट इज 200 mm। इट कैरीज अनदर लोड ऑफ 600 न्यूटन एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 टू द लेफ्ट। ओके, ये लेफ्ट है ऑफ द राइट हैंड बेयरिंग। तो कितना है लोड, एक लोड आ रहा है 600 न्यूटन का एट अ डिस्टेंस ऑफ, यहां से जो डिस्टेंस होगा दिस इज 150 न्यूटन। ओके, तो इस तरह का ये डायग्राम यहाँ पे बन गया। नाउ हमको इसको प्रॉपर डायग्राम बनाना है, तो देखिए कैसे बनेगा। ये एक सिंगल लाइन बनाना है आपको, यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट। ओके, यहाँ पे एक लोड आ रहा है, इसका वैल्यू है मेरा 400 न्यूटन का। यहाँ पे एक लोड आ रहा है जिसका वैल्यू है मेरा 600 न्यूटन का। ये से मैंने पॉइंट इसको ए बोला, इसको मैंने बी बोला, इसको मैंने सी बोला, इसको मैंने डी बोला। यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन आएगा, दैट इज से आर ए। यहाँ पे एक वैल्यू आएगा से आर बी। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो स्पैन है, वो है आपका 2 मीटर। तो यहाँ पे मैं एमएम में लूंगा, तो 2000
mm हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, दैट इज 200 mm, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है मेरी 150 mm। ओके नाउ तो अभी हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए, तो सबसे पहला यहाँ पे क्या आएगा, स्टेप नंबर वन। तो देखिए यहाँ पे आएगा सबसे पहला स्टेप वन। नाउ तो यहाँ पे स्टेप वन में आएगा मटेरियल। यहाँ पे मटेरियल नहीं दिया, तो सबसे पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा मटेरियल। ओके, मटेरियल सिलेक्शन। ओके, हम लोग कोई भी एक प्लेन कार्बन स्टील ले सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्टिंग प्लेन कार्बन स्टील, सिलेक्टिंग दी प्लेन कार्बन स्टील, प्लेन सिलेक्टिंग प्लेन कार्बन स्टील। ओके, तो यहाँ पे देखिए पीजी में आपको आना है, पीजी का पेज नंबर 1.9। देखिए पीजी का पेज नंबर 1.9 पे आपको मटेरियल मिलता है। तो प्लेन कार्बन स्टील में देखिए यहाँ पे डेजिग्नेशन दिया है, परसेंटेज कार्बन दिया है, परसेंटेज मैग्नीशियम दिया है, टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया है, मिनिमम इलॉन्गेशन दिया है, यील्ड स्ट्रेस दिया है। तो मुझे क्या चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेस चाहिए। ये दिया है केजीएफ पर मिलीमीटर का स्क्वायर। और देखिए लिखा है 1 kgf इक्वल टू 10 न्यूटन। क्या लिखा है यहाँ पे, 1 kgf इक्वल टू 10 न्यूटन। तो यहाँ पे मैं लूँगा C30। तो यहाँ पे देखिए C30 के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ है मेरा 50 से लेके 60 के बीच में का, तो मैं इसे अराउंड 57 ले लिया। और यहाँ पे ये कितना है, यील्ड स्ट्रेस कितना है 30, तो मैं वो 300 ये ले लूँगा। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे लिखूँगा मैं, सिलेक्टिंग प्लेन कार्बन स्टील एज C30, यहाँ पे डैश करके फ्रॉम PSG 1.9। तो यहाँ पे क्या आया मेरा, सिग्मा टी आ जाएगा मेरा यहाँ पे, वो आया मेरा 570। ओके, एक्चुअली वैल्यू है उसका 570 kgf पर मिलीमीटर का स्क्वायर। उसी तरह सिग्मा वाई यील्ड स्ट्रेंथ मेरा आया 30 kgf पर मिलीमीटर का स्क्वायर। बट हमको पता है क्या, 1 kgf इक्वल टू कितना है, 10 न्यूटन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 570। कितना हो जाएगा ये, दिस इज 570 न्यूटन पर मिलीमीटर का स्क्वायर। और ये हो जाएगा 300 न्यूटन पर मिलीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे एज 1 kg इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ओके नाउ ये होने के बाद मेटल सिलेक्शन यहाँ पे हो गया। नाउ अब इसके बाद आएगा स्टेप टू, फाइंड और फाइंडिंग परमिसिबल शियर स्ट्रेस। क्या फाइंड करूँगा यहाँ पे मैं, परमिसिबल शियर स्ट्रेस। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो रूल था लास्ट समझे सा, क्या यहाँ पे आएगा, 30% ऑफ SYT। ओके, और क्या रहेगा, 18% ऑफ SYT बोलो, या फिर ये σYT। ओके, एक ही होता है। और ये SUT अल्टीमेट बोला था यहाँ पे, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, ये आएगा अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो देखिए कैसा आएगा ये, तो 0.3 ऑफ 570, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आ रहा है 90 न्यूटन पर मिलीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे होगा 0.18 ऑफ पॉइंट सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, दिस इज 3 SYT, दैट इज 390 आता है। और यहाँ पे 0.18 ऑफ 570, उसका वैल्यू आ रहा है मेरा यहाँ पे 102.6 न्यूटन पर मिलीमीटर का स्क्वायर।
तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दैट इज टाउ मैक्स, जो हम हमारा होगा दोनों में जो मिनिमम रहेगा वो, तो ये मिनिमम है तो ये हो जाएगा, तो ये हो गया 90 न्यूटन पर मिलीमीटर का स्क्वायर। ओके नाउ अभी यहाँ पे कीवे प्रेजेंट है, ओके तो क्या होगा, देखो यहाँ पे विथ कीवे है यहाँ पे, तो फॉर विथ कीवे ये फर्दर रिड्यूस होता है स्ट्रेस वैल्यू, ओके बाय 25%, तो ये हो जाएगा 0.75 ऑफ 90, तो ये वैल्यू आएगा मेरा यहाँ पे 67.5 न्यूटन पर मिलीमीटर का स्क्वायर। ओके तो ये हो जाएगा आपका टाउ मैक्स, ये हो गया विद की वे आपका द वैल्यू ऑफ टाउ मैक्स। वैल्यू विद टाउ मैक्स, ओके क्लियर यहाँ पे। नाउ ये होने के बाद हम फाइंड करेंगे यहाँ पे ट्विस्टिंग मोमेंट, तो यहाँ पे आएगा स्टेप थ्री, स्टेप थ्री आएगा यहाँ पे फाइंड ट्विस्टिंग मोमेंट। तो देखिए ट्विस्टिंग मोमेंट किस तरह हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो एज वी नो पावर दिया है मुझे, सिंस पावर इज इक्वल टू क्या होता है 2π NT बाय 60। ओके तो यहाँ से मुझे पावर दिया है सब में, पावर का वैल्यू मेरा 20 किलो वैट, उसको मैं कन्वर्ट करूँगा किलो वैट को वैट में, तो यहाँ पे 20 × 10³, ये हो जाएगा वैट में इज इक्वल टू 2π N मुझे दिया है यहाँ पे। द वैल्यू ऑफ N कितना है, देखिए द वैल्यू ऑफ N इज 120 RPM, तो यहाँ पे हो जाएगा 120 × T डिवाइडेड बाय 60, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको आ जाएगा T, तो ये हो जाएगा 20 × 10³ × 60 डिवाइडेड बाय 2π × 120, तो वैल्यू ऑफ टी यहाँ पे आपको आएगा 1.592 × 10³ न्यूटन मीटर, इसको मैं लेना है न्यूटन mm में, तो ये होगा 1.592 × 3 को और एक 3 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 न्यूटन mm। ओके तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, द वैल्यू ऑफ ये मिल गया मुझे, टॉर्क मिल गया ना। अब मुझे फाइंड करना है बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, तो देखिए बेंडिंग मोमेंट किस तरह फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमने जगह छोड़ा था, तो देखिए ये फिगर से हम लोग फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा स्टेप नंबर 4, यहाँ पे आएगा स्टेप नंबर 4, पहला आएगा यहाँ पे फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। ओके यहाँ पे एरो मार देता हूँ, फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, तो क्या आएगा पहले यहाँ पे समेशन FY इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, ओके तो और इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ओके ये सब हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए तो क्या होगा, RA + RB इज इक्वल टू 400 + 600, सो वैल्यू कितना हो गया ये 1000 न्यूटन, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ना अब लेंगे यहाँ पे मोमेंट, ना मोमेंट ऐड लेंगे पॉइंट ए पे, देखिए तो टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, क्या बोलूँगा मैं, क्लॉकवाइज फोर्स पॉजिटिव, तो देखिए यहाँ पे यहाँ से पहला ये आएगा, ये यहाँ पे घूमेगा, सो दिस विल बी क्या होगा क्लॉकवाइज, ये भी होगा आपका क्लॉकवाइज, ये ऐसा घूमेगा, तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए तो क्या क्या यहाँ पे वैल्यूज आने वाले हैं हम देखेंगे यहाँ पे, तो पहला आएगा यहाँ पे -RB एंटी क्लॉकवाइज है, RB × 2000 ये पूरा डिस्टेंस, देन प्लस ये घूमने वाला है दैट इज 600 का फोर्स, 600 न्यूटन का फोर्स है वो, ठीक है 600 न्यूटन का फोर्स, तो 600 × ये डिस्टेंस 150 माइनस करके आएगा वो, ओके तो वो हो जाएगा मेरा यहाँ पे 1750,
ओके सॉरी 1850 ओके देन प्लस 400 इंटू 200 ओके इज इक्वल टू जीरो ओके इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे अननोन क्या है, आरबी सिर्फ मेरा यहाँ पे अननोन है, तो देयर फोर आरबी इंटू 2000 इज इक्वल टू, इसे वहाँ पे चले जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये भी माइनस साइन यहाँ पे है वहाँ पे, तो 600 इंटू 1850 के ये माइनस, अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये ऐसी रह जाएगा, ये 400 इंटू 200, तो देयर फोर आर बी इज इक्वल टू क्या होगा, 600 इंटू 1850 प्लस 400 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 2000, तो आर बी इज इक्वल टू वैल्यू आएगा आपका 595 न्यूटन। और आप पुट करोगे इक्वेशन वन में तो आपको आर ए का वैल्यू आ जाएगा 405 न्यूटन ओके। तो ये हो गया, नाउ अभी होने के बाद आपको फाइंड करना है बेंडिंग स्ट्रेस ओके सॉरी बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पे आएगा अभी स्टेप सिक्स, तो देखिए स्टेप सिक्स करने के लिए हमें ये फिगर लगने वाला है, तो मैं ये फिगर को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। प्रॉपर हुआ नहीं कॉपी, अगेन कॉपी करेंगे ओके आ गए यहाँ पे नाउ। तो यहाँ पे स्टेप का नाम है मेरा फाइंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्ट बी में करके पॉइंट ए, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट विल बी जीरो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है सी पॉइंट पे, तो सी पे लूँगा मैं, तो यहाँ पे ये यहाँ पे रखूँगा और यहाँ से देखूँगा तो ये यहाँ पे क्या आ रहा है, आर ए, आर ए का वैल्यू कितना आया मेरा यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ आर ए इज 405, कितना है 405, तो 405 इंटू 200 दैट इज इक्वल टू आएगा मेरा 81000 न्यूटन एमएम। उसी तरह पॉइंट डी पे, डी पे यहाँ पे रखा ये पॉइंट पे और ये साइड का मैंने लिया, तो ये साइड क्या होगा, ये साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये साइड एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ओके। तो ये हो जाएगा आर बी, आर बी का वैल्यू मेरा 595, तो 595 इंटू 150 तो वैल्यू आएगा यहाँ पे 89250 न्यूटन एमएम। तो सबसे बड़ा कौन सा है ये, तो दिस इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो दिस इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ओके। तो यहाँ पे मुझे एम मिल गया, एम इज इक्वल टू हो गया 89250 न्यूटन एमएम। अब मैं फाइंड करूँगा स्टेप नंबर, यहाँ पे अभी क्या है 7, डायमीटर ऑफ शाफ्ट, क्या फाइंड करूँगा मैं यहाँ पे अभी डायमीटर ऑफ शाफ्ट, तो यूज करूंगा मैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, समटाइम कॉल्ड एस एम एस एस टी, उसका फॉर्मूला क्या है आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का, दैट इज रूट ऑफ एम का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ मैक्स इंटू डी क्यूब ओके। सो वी हैव द वैल्यू, एम का वैल्यू है मेरे पास अभी फाइंड किया हमने ओके 89250, टी का वैल्यू है हमारे पास, टी हमने फाइंड किया था 1.592 इंटू 10^6, ये 1.592 इंटू 10^6 टाउ हमने फाइंड किया था ओके, मैक्सिमम टाउ 67.5, तो ये यहाँ पे 67.5 अननोन के यहाँ पे दिस इज़ अ डी क्यूब अननोन है, सॉल्व करोगे इसको ओके तो
कैसे सॉल्व करोगे, तो ये पूरा डालोगे ब्रैकेट के अंदर, तो देखिए क्या आएगा, रूट ऑफ एट नाइन टू फाइव का स्क्वायर प्लस 1.592 इंटू 10^6 दी ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके ये हो जाएगा, तो ये इंटू ये पूरे ब्रैकेट में इंटू 16 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 67.5, वो होगा आपका डी क्यूब। ओके जो आंसर आएगा उसको क्या करोगे, उसको क्यूब रूट करोगे। इसे एग्जांपल आंसर ए आया, उसका क्यूब रूट करोगे तो आपको आंसर आएगा यहाँ पे 49.33, तो यू कैन टेक इट एज 50। ओके राउंड ऑफ ऑफ मल्टीप्लीकेशन 5, तो ये होगा डायमीटर 50। तो इस तरह से आप ये सम को सॉल्व करोगे। सो होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।